12 तारीख को ईद मिलाद नबी का जुलूस है और पिछले कई सालों से निकल रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, 36 साल तक ये जुलूस बंद था और 36 साल के बाद 12 साल लगातार मेहनत करने के बाद रज़ाए करीमी के ज़रिए ये जुलूस का परमिशन 2006 में मिला। ये साल 12वां जुलूस है और अल्लाह का फजल करम है कि भिवंडी में इससे बड़ा जुलूस, इससे ज़्यादा आवाम किसी जुलूस में नहीं आती है। कई लाख लोग जुलूस में आते हैं और बहुत बड़ा इसमें इंतज़ाम करना होता है और 1 महीने से इसके इंतज़ाम में लग जाते हैं और अभी तकरीबन तकरीबन सब इंतज़ाम हो चुका है, सब इलाके में मीटिंग हो चुकी है और 5,000 के करीब इसमें वॉलंटियर रहते हैं। उनके अलग अलग ड्रेस कोड और अलग अलग पहचान जो हमको ही ट्रस्ट को ही मालूम होती है और वो अल्लाह का फजल करम है, इतना अमन से किस भिवंडी में शायद कोई त्यौहार कोई जुलूस नहीं निकलता होगा। ये अपनी खुद की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब जो जुलूस का जो रास्ता गवर्नमेंट देती है कोटागढ़ मस्जिद से निज़ामपुरा, निज़ामपुरा से होते हुए बंजारपट्टी नाका, वहाँ से मामू वहाँ भंजा दरगाह, तो निज़ामपुर की पूरी रोड बल्कि आधी रोड तो ऐसी है कि ड्रेनेज लाइन के लिए खोदा गया और उसके बाद में उसको वैसे ही बंद कर दिया गया और उसको पूरा कच्चा रोड जैसे गांव देहात का होता है वैसा है। आप जो है नॉर्मल एक बाइक लेके उससे गुजर सकते नहीं है। और उसके बाद निज़ामपुर में गोल्ड बिल्डिंग के आगे बढ़ेंगे तो AGL एक टेक्सटाइल है, मैं आज देखा वहाँ उसके लग के रोड पे 12 चैम्बर है जो ओपन है रोड पे। एक तो रोड इतना ज़्यादा ख़राब और उसके बाद चैम्बर ओपन और रोड की साइज़ बहुत छोटी और पब्लिक ओवर, यानी इतनी ज़्यादा पब्लिक कहीं नहीं और सब पब्लिक पैदल होती है। अब बताइए कि ऐसे रोड पे और ऐसे हालात में वहाँ से जुलूस कैसे निकलेगा। तो हमने पुलिस को म्यूनसिपल्टी को लेटर दिया है कि वो उसको बनाए, रोड को बनाए ताकि किसी भी किस्म का नामान को और जुलूस को ख़तरा नहीं हो। और अगर म्यूनसिपल्टी या अधिकारी जो रोड को नहीं बनाते हैं तो हमारा जो जुलूस ट्रस्ट है, बाकायदा गवर्नमेंट का रजिस्टर ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट ने एक फैसला किया है कि अगर रोड नहीं बनती है तो जुलूस हम पूरे जितने भी आवाम आएगी उन सबको लेके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जाके वहाँ बैठ जाएंगे। सर, ख़राब रोड के मामले को लेकर 2 दिन पहले एक बवाल थोड़ा सा हो गया, राजनीतिक पार्टियों से कुछ आपका अनबन हो गया, अनबन की कुछ बात हो गई, उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करेंगे क्या है? जी, वो असल में क्या है कि मैंने एक लेटर दिया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कि भाई अगर जुलूस का वो रोड जो रास्ता है वो नहीं बनाया गया तो हम ये जो है पूरा जुलूस वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहुँच जाएगा, वहाँ धरना देगा। और उसके बाद फिर जो है 3 तारीख को वहाँ मेयर से हमारी मीटिंग थी, मैं मेरे साथियों के साथ में मेयर के पास मिलने के लिए गया। वहाँ पर पहले से जो है रशीद ताई जो XML उनके भाई बैठे हुए थे और कोई जो है वासु अन्ना नाम के एक शख्स वहाँ बैठे हुए थे। मेरे साथ में इमरान वली मोहम्मद खान और भी दूसरे बहुत से लोग मेरे साथ में मेयर के पास गए। हमने पहले मेयर को जुलूस में आने की दावत दी, उनको दावतनामा दिया जिसका फ़ोटो वगैरह व्हाट्सएप पे चला। उसके बाद फिर हमने जुलूस के बारे में और रोड बनाने के लिए एप्लीकेशन दिया और उनको बताया कि अगर रोड नहीं बना तो हम ऐसा ऐसा एहतजाज करेंगे। जो मेयर बहुत रिस्पेक्ट किया, उसने हमारी वहाँ मेहमान नवाजी की, चाय पानी की, उसने अपने PA को बुलाकर उस पर ऑर्डर भी किया, रोड बन जाएगा ऐसा वादा भी किया। फिर उसने मेरे सामने जो है कमिश्नर से बात करी, म्यूनसिपल कमिश्नर से। अब बात करने के बाद उसने मुझसे और इमरान से कहा कि तुम जाके 2 मिनट के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर से मिल लो। अब इमरान के साथ हम लोग जब म्यूनसिपल कमिश्नर के ऑफिस में गए तो वो कमिश्नर के बाहर गेट पे एक छोटा सा केबिन है, कमिश्नर का जो असिस्टेंट जो भी उसका PA बैठता है, उसने बताया कि कुछ कर्मचारियों के साथ कमिश्नर अपने एंट्री चैम्बर में बैठे कुछ बात कर रहे हैं। हम लोग वहाँ रुके थे, उसी बीच में मैंने इमरान को कहा कि काम करिए, ये एप्लीकेशन लेके आप बात कर लेना, हम लोग जाते, नमाज का वक्त हो गया है, या बाद में हमको फ़ोन लगा कर बुला लेना, हम चले आएंगे। हम लोग दरवाजे पे खड़े थे, उस वक्त तक का दूसरा कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं था हमारे अलावा। हमको मेयर ने भेजा था बात करने के लिए, हम बगैर उससे बात गए नहीं थे। वहाँ के दरवाजे पे खड़े थे अपनी बारी आने का, अपने टाइम आने का इंतजार करते हुए। उसी वक्त जावेद दलवी, खासदार साहब, संतोष सेठी और बहुत से लोगों को लेके वहाँ पर एंट्री मारा और उसने डायरेक्ट जो है उसको हटाते हुए अंदर कमिश्नर के ऑफिस में दाखिल हो गया। उसके साथ साथ में कुरेश नगर के समीर कुरेशी है, उन्होंने उसको कहा कि आप भी अंदर चलिए।
तो मैं भी चला गया। और वहाँ पर जब सब लोग जो है खासदार साहब और कमिश्नर अपने एंटी चैम्बर में जाके बैठ गए, बाहर जहाँ कमिश्नर बैठता है वहाँ पर सब लोग अपने अपनी कुर्सी लेके बैठ गए। यानी ऐसा लग रहा था वहाँ कुर्सी छीनने का जो अंदाज़ था कि उसी कुर्सी पर बैठेंगे तो जन्नत मिलेगी, इस अंदाज से वहाँ कुर्सियाँ छीन रहे थे आपस में दूसरे लोग। मगर हम लोग खड़े थे, उसको खबर ही नहीं थी कि ये जमा क्यों आ गया है। मैं खड़ा था उस बीच में जावेद दलवी बैठ के उसने बहुत ही बदतमीजी के अंदाज में कहा कि वसीम, वसीम अंसारी एक दरगाह दीवान साहब का जो है कारपोरेटर है उसका नाम लिया, ए वसीम ये सब लोग को बाहर कर, बहुत चिल्ला के उसने कहा। तो वसीम भाई ने सबको बाहर ढकेला, जैसे भी बाहर किया उसने, हम जहाँ साहब को बदतमीजी नहीं की हमको बाहर भी नहीं किया वसीम ने, सब बाहर चले गए। अब आखिर में मैं शर्जील बाबा बहाउद्दीन या शेख ऐसे तीन चार लोग बच्चे थे, बाकी वो जो बैठे थे वो थे। अब उसको लगा कि कुछ खास मीटिंग है, हमको यहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो मैं जो कागज़ था एप्लीकेशन देने के लिए गया था वो एप्लीकेशन को लेके आगे गया जहाँ इमरान और शोर भाई बैठे हुए थे। मैंने कहा कि जब आप लोग की मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो ये इस बात बारे में भी आप बात कर लेना, तो आप लोग बात कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, खासदार भी है और सब पार्टी के जिम्मेदार भी है, तो एक रोड बन जाएगा, बहुत ख़राब रोड है। बाकी मैंने कोई बात नहीं की। जब मैं इमरान से और शोर भाई से बात कर रहा था तो जावेद अलवी ने फिर कहा कि वसीम इन लोगों को बाहर कर। अब वहाँ पर हमारे अलावा एक्स्ट्रा आदमी कोई नहीं थी, किसको बाहर करने की वो बात कर रहे थे। समाज में कुछ लोग जो है उसको भी इज्जत की नज़र देखते हैं, एक अपना मकाम है, परवरदिगार है जो है, एक लोगों के दिलों में एक जगह है। अब मजहबी इंसान हूँ, तंजीम का एक जिम्मेदार हूँ, तुम उस आदमी को ऐसे बोलोगे बाहर जा, ठीक है भाई तुम्हारी ऑफिस नहीं है, कमिश्नर की ऑफिस थी, हम भी गए बुलाए नहीं कि हमको मेयर वहाँ भेजा था, हम खुद से नहीं गए थे। उसके बाद भी अगर हमारा वहाँ रहना ज़रूरी नहीं था या जावेद दलवी को कुछ तकलीफ थी हमारे रहने से, मोहब्बत से बोले था कि हमारी कुछ खास मीटिंग है आप बाहर रुकिए या हम आपको आपका काम हम कर देंगे। मैं निज़ामपुर का रोड बनाने के ही लिए तो गया था, मैं जुलूस के लिए चंदा मांगने नहीं गया था, पैसा मांगने नहीं गया था, अपने पर्सनल काम से नहीं गया था, कोटा गेट के कुछ काम से नहीं गया था, कोटा गेट के इलाके में रोड बनाया इसके लिए नहीं गया था, कुछ काम नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ निज़ामपुर के रोड बनाने के लिए गया था। और उसमें जावेद अलवी ने जब ऐसा कहा तो भी मैं नाराज़ नहीं हुआ, मैं जाने लगा तो मेरे साथ में शर्जील रजा जो थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी कोई बेइज्जती करे। तो शर्जील रजा ने कहा कि जावेद भाई आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हो, आप हमारी बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि आपको राइट नहीं है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है और आपको कौन होते हैं यहाँ से हमको जब बोल के बाहर जाओ, यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोले या उसके कोई ऑफिस का आदमी बोल सकता है। तो जब वो उतने के सामने जो भिवंडी के टॉप 10 कहलाते हैं उनके सामने शर्जील रजा ने उसको बोल दिया, जावेद अलवी के पास कोई जवाब नहीं था तो उसने उठा उसको मारने के लिए। ये बातें मैं शर्जील का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था बाहर, मैं ठंडा कर रहा था कि खत्म करो खत्म करो, मैं शर्जील का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था बाहर तो मुझको मैं आवाज़ आई, मैं पलट के देखा तो कुछ लोग जावेद अलवी को पकड़ रहे थे, तो मुझको लगा कि वो मारने आ रहा है वो, तो मैं हाथ छोड़ दिया। अब मैंने कहा तुम मारने आ रहे हो तो लो मार लो, तुम इतने बड़े आदमी को मारने आ रहे हो एक बच्चे को तो लो मार लो, ये बदतमीजी की हद हो गई थी। अब उस चिल्लाट पुकार में जो मेरे साथ में आए हुए अफराद थे वो दरवाजे के बाहर खड़े थे, वो लोगों ने दरवाजा खोल के देखा तो उनको ऐसा लगा कि जावेद अलवी मेरे को मारने के लिए आ रहा है, तो उसको लेके माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अब मेरा त्यौहार है, जुलूस तो मुझको निकालना है, बड़ी मेहनत से जुलूस निकाला हूँ मैं, जब मैं इस मुझको एहसास 20-22 साल का हुआ जब मुझको एहसास हुआ कि भिवंडी में हर मजहब का जुलूस निकलता है, मुसलमानों का क्यों नहीं, तब से मैं शुरुआत कर दिया। ये लोग तो जो है उस वक्त बहुत बड़े लीडर थे, इन लोगों ने जुलूस के लिए कोई शुरुआत नहीं की, कोई एक अप्लीकेशन तक नहीं किए, एक अप्लीकेशन भी अगर किए हो 36 साल जुलूस बनता, जावेद अलवी या कोई कांग्रेसी आदमी खुद से पहले एक जुलूस एक आदमी भी नहीं किया था। 12 साल मैंने गवर्नमेंट से मेहनत करने के बाद जुलूस का परमिशन निकाला, आज 12वां जुलूस है, ये पूरी भिवंडी गवाह है कि इतना पुरअमन और इतना शानदार जुलूस इससे पहले कभी निकलता ही नहीं है किसी मजहब का भी, इतना शानदार है और इसमें हर मजहब के लोग साथ देते हैं। अब उसके अंदर वो ऐसा बोला, इतना मामला बढ़ गया, मैं अपने बच्चों को लेके बाहर कमिश्नर के ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया। बाहर खड़ा होकर मैं सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहा था कि जावेद अलवी को बाहर बुलाओ और उससे माफ़ी मंगाओ। अगर जावेद अलवी जो बोलता है कि अंदर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है या इमरान बोलता है कि अंदर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है तो जावेद अलवी से हम लोग माफ़ी के मुतालबा क्यों कर रहे थे।
और अगर जावी तलवी सही था, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, तो बाहर आके शोएब गुड्डे ने क्यों माफ़ी मांगी मुझसे? मुझसे कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ जावी तलवी से, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर जावी तलवी अंदर कोई गलत नहीं किया था तो उनका उनका साथी कांग्रेस का जिम्मेदार बाहर आके हमसे माफ़ी क्यों मांग रहा था? इमरान बार बार बोल रहा था कि हाँ यार वो ख़त्म कर, हो गई गलती, हो गई, हो गई गलती, हो गई, इमरान ऐसा क्यों बोल रहा था? जितने कारपोरेटर थे, हलीम था, नासिर पप्पू था, बहुत से लोग थे जिनको मैं नाम से नहीं जानता हूँ, हम तो सिर्फ एक ही बात कर रहे थे। और निज़ामपुरा पॉलिटिशन का एक 3-स्टार ऑफिसर है, मुझको नाम याद नहीं है, उसको मैंने पब्लिकली पूछा, लेकिन वो स्टार से खासदार के साथ में आया था सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो सब कुछ देखा उसने। मैं उससे पूछा कि भाई गलती किसकी है, जब जावेद ने गलत काम किया कि नहीं किया, तो उस पुलिस ऑफिसर ने बाहर सबके सामने कहा कि जावेद तलवी ने गलत किया। अब ये क्या है कि जावेद तलवी पूरी कांग्रेस पार्टी को हाईजैक कर चुका है, एक किस्म की उसके रखेल बना चुका है। तो इमरान या जो भी उसके साथी है, वो लोग जो है सिर्फ उसके खौफ से, अभी इलेक्शन है, जावेद तलवी से पंगा लेंगे तो हमको टिकट नहीं मिलेगा, और इलेक्शन में भी जगह जीत गए तो हमको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, तो ये सिर्फ दुनिया के लालच में झूठ बोल रहा है। खास तौर पर इमरान तो साथ में था, इमरान को सब कुछ मालूम है, कमिश्नर ऑफिस ले जाने वाला इमरान था, उसको सब कुछ मालूम है, हमने बदतमीजी नहीं की थी। अब उसको एक कांग्रेसी ने उनके साथियों में बताया, मैंने पूछा भी कि एक दिन पहले मैं तलवी को फ़ोन लगाया चंदे के लिए, मेरे उससे ताल्लुकात पोस्ताना थे, उस वक्त क्या वजह थी कि तलवी ने ऐसी बदतमीजी की, हम उसको भगाने पर इतना तुला हुआ क्यों था? तो मालूम पड़ा कि कुछ कुरेश ब्रादरान की सलाटर हाउस को लेकर कुछ बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली थी, वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा पैसे का मामला होने वाला था, कुछ टेंडर का मैटर था। तो जावेद तलवी चाह रहा था कि एंटी चैम्बर से खासदार और कमिश्नर आने से पहले शकील लिया को यहाँ से भगा दो, वो इतनी घाई में इसी बिना पे था कि कमिश्नर आए वहाँ बैठे और मीटिंग शुरू हो उससे पहले ये रदा अकेडमी का शकील रदा निकल जाए यहाँ से, लेकिन उसको मालूम है कि वो कितना करप्टेड है और शकील लिया कितना जो है ईमानदार है। इसलिए कि पहली दफ़ा अगर कोई आदमी इंक्वायरी निकाले ना कि जब पहली बार जावेद तलवी इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो वो प्रॉपर्टी की क्या डिटेल दिया था एफिडेविट में, और आज क्या दिया हुआ है, तो क्या वो भैंस के तबेले से इतना पैसा बना है क्या? तो वो चीज़ें हमको उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं उसको तो उस किसी के जाति मामला में नहीं पढ़ता हूँ, वहाँ मैं दीन के लिए गया था और मैं दीनी ही वजह से जाना चाहता हूँ, मगर इमरान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वहाँ जो बोला इमरान ने कि भिंडी म्यूनसिपलिटी पूरा खर्चा करती है, ये इमरान सरासर झूठ बोल रहा है। वो क्यों झूठ बोल रहा है, उसको सब कुछ मालूम है। भिंडी म्यूनसिपलिटी सिर्फ और सिर्फ मैं मस्जिद में चल के काबा शरीफ की दीवार पकड़ के जैसा मुसलमान कसम खा के बोलता वैसा बोल सकता हूँ मैं कि भिंडी म्यूनसिपलिटी सिर्फ और सिर्फ महू मंजर ग्राउंड के अंदर स्टेज लाइट और जनरेटर लगाती है, उसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1 रुपया नहीं देती है। लाउड स्पीकर का गए साल 40,000 रुपया अनायास होने वालों को मैंने दिया है, उसका वाचर सैन है। बग्गी वालों को पैसा मैंने दिया है, उसका वाचर सैन है। और जितना खर्चा होता है अमामा और जो कायद है, ये खर्चा इस दफ़ा होने वाला है, ये खर्चे की पूरी लिस्ट है देख लीजिए, ये तकरीबन 3.5 लाख रुपये खर्चा है, इसमें से 1 रुपया भी म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन नहीं देती है। और इसमें मैं हूँ वहाँ ग्राउंड का मैंने तस्करा नहीं लिखा है, ये पूरा खर्चा भी कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी आज तक कर चुका हूँ मैं। अब इमरान जो बोलता है कि पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देती है, आज मैं सुनील पाटिल नामी एक अधिकारी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, मैं उसके पास जाके पूछा कि भाई आप लोग क्या खर्चा करते हो, तो उसने कहा कि नहीं हम आपके जुलूस के लिए सिर्फ मंजा ग्राउंड पे जो स्टेज लाइट लगती है वो देते हैं, बाकी हम आपको कुछ नहीं देते। ये अधिकारी के पास आप भी जाके पूछ सकते हो, सुनील पाटिल नाम है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का आदमी है, पहले माले बैठता है, उसने मुझको कहा, मगर उसने मेरे को ये भी बताया कि वंजार पट्टी नाके पे एक से एक स्टेज लगता है, वहाँ लाउड स्पीकर लगती है, वहाँ पर लाइट लगता है, वहाँ पर जो है लाइव टेलीकास्ट होता है जिसकी बिल 1.5 से 2 लाख रुपया वहाँ शो की जाती है, ये सब बिल जो है जुलूस के खाते में लोग लिखते हैं, ये इमरान करता है। वहाँ जो फूल और हार पेश की जाती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, वो सब फूल हार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेती है। ये पूरा खर्चा जो इमरान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जुलूस का पूरा खर्चा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है, तो इमरान खुद लेता है और इमरान वो पूरा खर्चा वंजारपट्टी नाके पे करता है, अपने पर्सनल यूज में करता है, जितना गेट बनता है उस पर अपना बड़ा बड़ा फोटो लगाता है, और वो जो जुलूस के बारे में कह रहा है वो गलत कह रहा है।
मैं हर तरह से बोलने को, हर जगह बोलने को राजी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ माऊ भंजा ग्राउंड पर एक स्टेज, लाइट और जनरेटर, इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुछ नहीं करती है। ये मैं हर जगह बोलने को राजी हूँ। इमरान जो बोल रहा है झूठा है। क्यों बोल रहा है? करीब जल्दी ही वो जली होगा इंशाल्लाह। उसको उसकी जो है औकात मालूम पड़ेगी इंशाल्लाह।